वेलकम टुडे एंड और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको परीक्षा अध्ययन के बारे में। जी हां मित्रों, परीक्षा अध्ययन जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है एमपी के छात्रों द्वारा, और परीक्षा अध्ययन के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं जिनको पढ़ करके आप ला सकते हैं 100% मार्क्स में से 80% 85% आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि ये किताब है बहुत ज़्यादा पॉपुलर। और इस किताब के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप याद करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और ये आपकी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मैं तो रिव्यू करते हैं आज का। तो परीक्षा अध्ययन के अंदर मैं आपको न केवल बताऊंगा इसका रिव्यू, बल्कि ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन याद करने हैं और कौन से क्वेश्चन याद नहीं करते हैं। ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, तो ऐसे गौर से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और बताऊँगा आपको कुछ चीज़ें जो आप करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो पहला बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि पहले ही आपसे आप किताब को खोलेंगे तो आपको मिल जाता है यहाँ पे पेपर सेट, सेट नंबर वन। तो सेट के अंदर आपको चार सेट आपको इस किताब के अंदर दिए जाएंगे, चार सेट जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन चार सेटों को आप पढ़ लेंगे तो आपके करीब 50 से 60% क्वेश्चन इसी में से आ जाते हैं। जी हाँ मित्रों, क्वेश्चन सुनेंगे 50 से 60 मार्क्स आपको इसी सेट पेपर से मिल जाते हैं। तो चार सेट आप इसको रट लीजिएगा और बहुत महत्वपूर्ण है ये चार सेट। जैसे ही चार सेट आपके खत्म होंगे, चार सेट के बाद आपको मिलेगा एक पैसेज का एक्सरसाइज, जहाँ पर आप कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो पैसेज देखते हैं बिल्कुल पेपर के टाइम पर, लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। चार सेट के अलावा आपको अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस मिल जाती है, और इसके अंदर आपको जो चीज़ पढ़नी है समझना है। देखो पैसेज आपको प्रैक्टिस करना है पर डे, क्योंकि अगर आप पर डे पैसेज प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड हो जाती है बहुत तेज। इसके अंदर आपको कौन सी चीज़ देखनी है, देखिए पूरे पैसेज के अंदर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली करीब 10 नंबर का ये पैसेज आता है, और 10 नंबर के इस पैसेज में करीब 8-10 क्वेश्चन होते हैं। 8-10 क्वेश्चन के अंदर आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि वर्ब फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेशन का वर्ब फॉर्म बताइए, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको पेपर में बिल्कुल नहीं मिले, पैसेज में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कंटेम्पलेशन में अगर जैसे वर्ब फॉर्म दी जाएगी तो उसे नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करना, नाउन फॉर्म को वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आने वाले वीडियो में इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो कंटेम्पलेशन एक नाउन फॉर्म है, इसे वर्ब में कन्फर्म वर्ब में अगर चेंज करेंगे तो TION यानी सन को हटा देना है, तो कंटेम्पलेशन का जो वर्ब फॉर्म हो जाता है कंटेम्पलेट। तो ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर किसी नाउन को वर्ब में कन्वर्ट करना हो तो उसमें लगाया गया सन, देखिए कुछ सफिक्स होते हैं उनको हटा करके आप नाउन फॉर्म को वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कंटेम्पलेशन में से आप सन हटा देंगे तो केवल कंटेम्पलेट बचेगा। इस प्रकार से कई सारे ऐसे वर्ड आते हैं जिन्हें नाउन फॉर्म से कन्वर्ट करके हम वर्ब में चेंज कर सकते हैं, और अगर वर्ब से नाउन बनानी है तो सन, मेंट और एंस ये वर्ड लगा दीजिए, आपका जो वर्ब फॉर्म है वो नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है आपको अपोजिट ऑफ राइज, राइज यानी कि उदय होना, और राइज का अपोजिट फॉर्म होता है डाउनफॉल, मतलब अस्त होना। तो ऐसे अपोजिट और सिमिलर वर्ड वाले क्वेश्चन भी आपको पैसेज में नहीं मिलते हैं, तो इनको छांटने का आपको एक ही तरीका है, छांटने का तो है ही नहीं इनको, इनको अपने मन से करना है, क्योंकि ये इनके आंसर पैसेज में है ही नहीं, ठीक है। फिर आपको मिल जाती है पोएमों के एक्सट्रैक्ट, जो पोएम जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण है, पोएम के एक्सट्रैक्ट आपको पूछे जाएंगे, पोएम के एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर का पैसेज आता है आपका मेकिंग नोट्स और समरी, क्या आता है मेकिंग नोट और समरी। अब मेकिंग नोट समरी में आपको ये तरीका बताया गया है उन्होंने कैसे इसको करा है, मैं आपको बताता हूँ, करके ही बताता हूँ। देखिए कि यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जिसमें आपको नोट मेकिंग नोट और समरी बनानी है, मेकिंग नोट और समरी बना, देखिए आपको ठीक से दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर दिखा है इन मॉडर्न ऑनेस्टी हैज लॉस इट्स मीनिंग। अब इसमें इस पैसेज को 1, 2, 3, 4 मतलब 4 पार्ट्स में 1, 2, 3 and 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, और यहाँ पूछा गया है रीड द अबव पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई ए टाइटल, मतलब आप इस पैसेज को ढंग से पढ़िए और ये पता करिए कि इसमें
कौन कौन से नोट्स हैं। नोट्स क्या होते हैं, देखिए मित्रों, अगर आप किताब पढ़ते हैं, अगर आप किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ते पढ़ते आपको कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं जो आप अंडरलाइन कर लेते हैं, तो अंडरलाइन करके आप इनमें से जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट दिखें आपको उनको अंडरलाइन करना है और उन्हें नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 करके लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। इस प्रकार से टाइटल छाटने के लिए आपको क्या करना है कि टाइटल छाटने के लिए आपको पैसेज के अंदर सबसे पहले लाइन पर चले जाना है और उस लाइन को पढ़ लेना ढंग से, और पहली लाइन के अंदर ही आपको उसका टाइटल मिल जाएगा। पूरा पैसेज पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, इसीलिए आप टाइटल जो है पहली लाइन में ही छाट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। देखिए पैसेज के बाद बात आती है यहाँ पर राइटिंग स्किल की, तो यहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया एडवर्टाइजमेंट मिल जाते हैं, नोटिस मिल जाता है। अब नोटिस कैसे बनाए जाएंगे इनके बारे में आपको मैं आगे के वीडियो बताऊंगा और आपकी लाइव क्लास चलाऊंगा, इसमें आप नोटिस और एडवर्टाइजमेंट बनाना सीख जाएंगे। तो ये नोटिस दिए जाते हैं, इस प्रकार से आप नोटिस पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं तो नोटिस है पैसेज के, मतलब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मिल जाते हैं इस पूरे सेक्शन में। इसके बाद आपको जहाँ जो चीज़ पढ़नी है, जो बच्चे ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ रिपोर्ट्स वगैरह दी हुई हैं। क्या दी हैं? रिपोर्ट, जैसे कि लॉन्ग कंपोजिशन, शॉर्ट कंपोजिशन, ठीक है, बहुत सारे कंपोजिशन और रिपोर्ट्स वगैरह दी हैं, डिबेट वगैरह दी हुई है, डिबेट है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप उसको याद कर सकते हैं और बनाना सीख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है, इसमें ग्रामर दी हुई है। ग्रामर के सेक्शन में आपको ग्रामर की एक्सरसाइज दी जाती है, जिसको प्रैक्टिस करके आप जो है ग्रामर अपनी रिवीजन कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा लेकिन अगले वीडियो में, लेकिन मुझे चाहिए इस पर लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शन भी। जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको मैं पूरी परीक्षा अध्ययन डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे इसके बाद पोयम के एक्सट्रैक्ट। जी हाँ मित्रों, ये चीज आपको बता रहा हूं, ये पेज नंबर 102 पर एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रोज मिल जाते हैं आपको, जिसमें फ्लेमिंगो जैसे फर्स्ट चैप्टर दिया है। इसमें क्या होता है, चैप्टर के आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अकेले इन एक्सट्रैक्ट को पढ़कर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं मित्रों। और ये एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं, इनके अंदर क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, इनको पढ़ेंगे तो इनको याद भी कर लेंगे तो इनके आंसर आपको पैसेज में ऐसे के ऐसे ही मिल जाएंगे। इनमें से एक्सट्रैक्ट कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये सेक्शन डी के अंदर एक पेज नंबर 102 में आपको एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं जो आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। करीब 10 नंबर के एक्सट्रैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ पोएट्री मिलते हैं पेज नंबर 117 पर। पेज नंबर 117 पर आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ पोएट्री मिलता है, इसमें आपके अलग अलग पोएट्री दी है। इनमें भी 3 नंबर की जो पोएम है वो आती है, इनको अगर आप याद कर लेते हैं तो करीब 3 नंबर आपके 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपके मिलते हैं चैप्टर और टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर ऑफ फ्लेमिंगो, ये नंबर 129 पर आपको ये पढ़ना है। और इसके अंदर आपको 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये पहला ही क्वेश्चन है द लास्ट लेसन का, व्हाट वाज द फ्रेंड एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल्स दैट डे। इसके बाद चैप्टर्स दिए हुए हैं, जो चैप्टर्स में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बताऊँगा बाद में। आगे देखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके बाद पोएट्री के, फ्लेमिंगो पोएट्री के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 153 पर। तो यहाँ पे पहला चैप्टर दिया है माय मदर सिस्टर, इसकी वीडियो मैं आपको पहले ही बनाकर दे चुका हूँ। अगर आप चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं इसकी लिंक दे दूंगा और आप इसको देख लीजिएगा। माय मदर सिस्टर का जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया है। इसके अलावा और भी सारी पोएम है जिनके वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगा आगे। तो ये देखिएगा आगे ये पोएम्स हैं, इसके बाद आपको मिल जाते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर ऑफ विस्तास। विस्तास के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको पेज नंबर 163 पर। विस्तास के क्वेश्चन आंसर, इसमें थर्ड लेवल, द टाइगर किंग जैसी कहानियां, इनके भी मैं आपको वीडियो ऑलरेडी बनाकर दे चुका हूँ। अगर आप चाहेंगे तो चैनल के बॉक्स में जाकर के आप इसको देख सकते हैं, इनके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है मित्रों।